तो ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया जो भी किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग को जीतेगा उसको मौका मिलने वाला है टाइटल शॉट के लिए समर स्लैम के अंदर। और भाई गुंथर और रैंडी ओटन वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो फेस करेंगे कोडी रोड्स को समर स्लैम के अंदर। और वुमेन्स डिवीजन से लायरा या फिर बियांका बेलर में से कोई एक सुपरस्टार होने वाला है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है समर स्लैम के अंदर वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और भाई 2026 से समर स्लैम भी 2 नाइट का होने जा रहा है, मतलब WWE समर स्लैम को भी रेसलमेनिया की तरह बनाने वाली है। और न्यूज ये भी कि रॉयल रैंबल में 2 नाइट का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टोरी जापान को लेकर, तो भाई WWE बहुत सालों बाद जापान में लाइव इवेंट कराने जा रही है। और आप सबको पता है कि शिंज के नाकामुरा जापान से याद है, वो इस इवेंट के पोस्टर पर सबसे आगे है। और ये इवेंट टोक्यो में जुलाई के टाइम होने वाला है। नेक्स्ट स्टोरी रैंडी ओटन को लेकर, और वो पहुंच चुके सऊदी अरेबिया क्योंकि उनका मैच टामाटुंगा के साथ होने वाला है। और ट्रिपल एच अपने प्राइवेट प्लेन के साथ पहुंच चुके सऊदी अरेबिया। और भाई समर स्लैम के अंदर हमें लिम मॉर्गन और रिया रिपली का मैच होता हुआ दिख सकता है डोमिनिक मिस्टोरी के लिए, जो भी उस मैच को जीतेगा डोमिनिक उसका हो जाएगा। भाई नेक्स्ट स्टोरी लाइन है लोगन पॉल वर्सेस कोडी रूड्स को मैच को लेकर। और भाई इस मैच के अंदर अंकल होडी अपनी वाइट सिक्स फैमिली के साथ अटैक कर सकते हैं कोडी रूड्स, क्योंकि कोडी रूड्स के पास अभी के टाइम में कोई भी दमदार स्टोरी लाइन नहीं है। तो WWE यहाँ पे अंकल होडी और कोडी रूड्स को एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन में डाल सकता है कि ऑडियंस कोडी रूड्स से बोर ना हो।